हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 2004 में पारित किए गए उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया। साथ ही कोर्ट ने इस कानून को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट की धारा 22 के खिलाफ पाया। कोर्ट ने कहा कि मदरसा अधिनियम के खत्म होने के बाद प्रदेश में बड़ी तादाद में मौजूद मदरसों में पढ़ने वाले छात्र प्रभावित होंगे, लिहाजा राज्य सरकार उन्हें प्राइमरी, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड से संबद्ध नियमित स्कूलों में समायोजित करे। जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने अंशुमान सिंह राठौर की याचिका पर आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश में मदरसा एजुकेशन को व्यवस्थित करने के लिए साल 2004 में यह कानून बनाया गया। इसमें अरबी, उर्दू, फारसी, इस्लामिक स्टडीज, तिब, दर्शन और अन्य खास शाखाओं में दी जाने वाली शिक्षा शामिल थी। बाद में इस बोर्ड का पुनर्गठन किया गया और इसमें एक चेयरपर्सन, निदेशक, रामपुर में राजकीय ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल, सुन्नी और शिया संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक एक विधायक, एक एनसीईआरटी प्रतिनिधि, सुन्नी और शिया संस्थानों के प्रमुख और विज्ञान या तिब के टीचर्स को शामिल किया गया। मदरसा एजुकेशन एक्ट के मुताबिक बोर्ड का काम यूजी और पीजी डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स और अन्य शैक्षणिक गतिविधियां प्रदान करना है। उसके साथ ही मुंशी और मौलवी, आलिम, बारहवीं कक्षा कोर्स की परीक्षा भी आयोजित करना बोर्ड की जिम्मेदारी है। बोर्ड को तहतानिया, पक्कानिया, मुंशी, मौलवी, आलिम, कामिल और फाजिल के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें और अन्य शिक्षण सामग्री निर्धारित करने का भी आदेश दिया गया। दरअसल साल 2017 में सत्ता में आई बीजेपी के नेतृत्व वाली योगी आदित्यनाथ सरकार एनसीईआरटी पर आधारित पाठ्यक्रम को बढ़ावा दे रही है। मदरसों को अत्याधुनिक बनाने पर सरकार की खास नजर है। पिछले साल तक 1275 मदरसों को कंप्यूटर से लैस किया गया। 7442 संस्थानों में बुक बैंक स्थापित किए गए। इसके साथ व्यापक रूप से साइंस मैथ्स किट भी बांटे गए। यूपी में मदरसे सदियों से संचालित हो रहे हैं जो एक बोर्ड की देखरेख में धार्मिक शिक्षा प्रदान करते हैं। साल 1995 तक ये मदरसे राज्य शिक्षा विभाग के अधीन थे। इसके बाद तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सभी मदरसों का नियंत्रण अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को दिया। यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट को मुख्य रूप से दो बिंदुओं पर असंवैधानिक घोषित किया गया। पहला, कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने यह फैसला देते हुए याचिकाकर्ता के उस तर्क को ध्यान में रखा जिसमें बताया गया कि मदरसा अधिनियम की योजना और उद्देश्य केवल इस्लाम, इसके नुस्खे, निर्देशों और दर्शन में शिक्षा को बढ़ावा देना है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इस तर्क को भी आधार बनाया कि मदरसा बोर्ड डिग्री देने की शक्ति रखता है जो कि यूजीसी का क्षेत्र है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश का असर यूपी के 13,329 पंजीकृत मदरसों में पढ़ने वाले 15,75,000 छात्रों पर पड़ेगा। बोर्ड के अनुसार 33,689 शिक्षक मदरसों से जुड़े हैं जिनमें से 9,646 सरकारी वित्त पोषित हैं। राज्य के मदरसों में 13,239 गैर शिक्षण कर्मचारी हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।